हाय गाइस, आज एक आइटम लेके आया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक लॉक के रिमोट किट है। सो बेसिकली काफ़ी टाइम से मेरे पास डिमांड आ रही थी, जो बेसिकली हमसे सामान लेते हैं डीलर्स, इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक लॉक में डील करते हैं, ये कस्टमर हो गए। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल मैक्सिमम जो घर है उनमें दो डोर होते हैं, एक होता है हमारा बाहर का जो पार्किंग गेट कहते हैं हम, और एक होता है हमारे डोर, मतलब हमारा जो अंदर का डोर होता है। सो उन दो डोर पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक लग जाते हैं। रिमोट किट की बात करूं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो आते हैं वो चाहे हॉकविजन कंपनी का हो, लिंक प्लस का हो, हिकविजन का हो, अल्पा का हो, कई सारी कंपनी आती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक में डील करती हैं। तो अगर जिनके घर पर भी इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ है अभी ऑलरेडी, और वो लोग अंदर से खोलना चाहते हैं और वायरिंग होना पॉसिबल नहीं है, मतलब वो चाहते हैं स्मार्ट लॉक जो कि मोबाइल फ़ोन से या फिर रिमोट से, तो ये जो वीडियो है वो रिमोट किट की है। इस किट के अंदर आप मोबाइल फ़ोन की किट भी लगा सकते हैं, क्या आप मोबाइल फ़ोन से भी लॉक खोलना चाहें तो भी खुलने का ऑप्शन आ जाता है। सो इस रिमोट किट में कस्टमर की जो डिमांड आ रही थी वो ये आ रही थी कि रिमोट में दो बटन हो और दोनों बटन पे अलग अलग लॉक ऑपरेट हो सके, मतलब हम बाहर का बटन दबाएं तो बाहर का लॉक ओपन हो और अगर हम दूसरा बटन दबाएं तो हमारे अंदर का लॉक ओपन हो। अभी तक ये फीचर था लेकिन वो दोनों लॉक एक साथ ओपन होते थे। तो ऐसा नहीं कि ये आइटम अभी आई है, लेकिन जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो अभी हमने इसको अपडेट किया है अपनी रिमोट किट में। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, आपको दिखाऊंगा किस टाइप की रिमोट किट है। सेकंड, हम इसको अपने दो इलेक्ट्रॉनिक लॉक से कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन कैसे होते हैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। अभी इसी वीडियो में आपको कनेक्शन दिखेंगे, इसी वीडियो में इसको हम प्रैक्टिकली चेक भी करने वाले हैं और किस टाइप से रिमोट है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस, इसमें क्या क्या निकलता है थोड़ा सा क्लोजली आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली इसमें एक तो हमारी वाईफाई किट हो गई, दूसरा इसमें एक हो गया रिमोट ब्राउन वाला, कई लोगों को ब्राउन रिमोट पसंद आता है और कई लोगों को ब्लैक रिमोट पसंद आता है। अगर रेंज की बात करूं तो ब्राउन रिमोट की जो रेंज है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ब्लैक रिमोट। दूसरा, इसमें एक बदर का ऑप्शन भी दिया हुआ हमने कि कोई अगर चाहे कि अपना रिमोट से बटन दबाए और लॉक खुलने की आवाज़ आप तक आए तो बदर लगा सकते हैं आप, जो कि साथ में फ्री आता है, ये फीमेल प्लग फ्री आता है कि आपको डायरेक्ट की जरूरत नहीं है। तो किट की कैसी है लुक है वो देख लीजिए, फिर आपको रिमोट दिखाता हूँ मैं। अब अगर रिमोट की बात करें, रिमोट किस टाइप का है तो आप देखते हैं, ये हो गया हमारा ब्लैक रिमोट, काफ़ी स्मार्ट लुक में है लेकिन इसमें एंटीने का ऑप्शन नहीं है, तो बेसिकली बटन दबाते आपको एक ब्लू रंग की लाइट दिखेगी चलते हुए की। तो ये हो गया ब्लैक रिमोट, इसमें एंटीना नहीं है तो थोड़ी सी रेंज की इसमें दिक्कत रहती है कि ज़्यादा दूर तक लंबे अच्छे से काम नहीं करता। और वही बात करूँ ब्राउन रिमोट, तो इसमें बेसिकली एंटीने का ऑप्शन है तो इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें ए और बी है, इसमें रेटले की जो लाइट्स है वो चलती है। सो आप देखते हैं किस टाइप का लॉक है ये, किस टाइप का रिमोट है। सो गाइस, आपने देखा कि इसमें क्या क्या आइटम्स निकलती हैं। अब इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक लॉक। मेरे एक तो लॉक लगा हुआ है मेरे ऑफिस में, सो एक बटन से मैं उस लॉक को ओपन करूँगा और एक लॉक को मैं भी लूज़ ऐसे ही रख के आपको चेक कराने के लिए वो भी दिखाऊंगा डेमो। तो अभी दोनों लॉक हम अलग अलग ओपन करने वाले हैं, तो चलते हैं बाकी वीडियो पे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, आप देखते हैं, इसको ओपन दिखाता हूँ करके आपको। तो ये इसका रिमोट है जिससे हम इसको ओपन करने वाले हैं। सो गाइस, ये इसका रिमोट है जिससे हम ओपन करने वाले हैं। ये दबाते ही एक बटन से लॉक मेरा ओपन हो गया। यही बात करें हम दूसरे रिमोट की, तो ये दूसरा रिमोट है मेरा, अगर हम इसका बटन दबाएंगे तो ये ओपन हो गया। तो अभी हमने एक बटन से कनेक्ट किया, अगर दूसरा बटन दबाएंगे तो इससे ओपन नहीं होगा, ना ही इससे ओपन होगा, हमने एक ही बटन से कनेक्ट किया हुआ है, ए से ही कनेक्ट होगा, तो मेरा ओपन हो रहा, आपको आवाज आ रही होगी। तो ये लॉक ओपन हो गया। अभी हम इसकी इंस्टॉलेशन कैसे हुई है वो आपको दिखाऊंगा मैं आपको, इसकी हमने किट इंस्टॉल किया, किट में कनेक्शन कैसे होंगे वो भी आपको दिखाता हूँ। एक बार लॉक को ओपन करता हूँ। सो गाइस, लॉक ओपन हो गया है। लॉक के अंदर एक बेसिकली कॉइल होती है, कॉइल में दो पॉइंट्स होते हैं जिसमें वायर लगी होती है। तो आपने सिंपली ये दो वायर जो होती हैं, इसमें कोई माइनस नहीं कोई प्लस नहीं, सिंपल से दो वायर लेके आपने किट में जोड़नी है और इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, लॉक के सिंपल दो तार वहां पे जोड़नी है और लॉक आप चालू हो जाएगा। लॉक कौन सी कंपनी का है वो मैटर नहीं करता, यूनी का हो, हॉकविजन का हो, लिंक प्लस, अल्बा, हिकविजन, जो मर्जी आप ला सकते हैं इसमें से। क्यों आई इसकी हमने वायर ज्वाइंट की हुई है, किस तरह से लॉक के अंदर कनेक्शन होंगे वो भी दिखाऊंगा, बट हमने इसकी वायर लेके
ऑलमोस्ट किचन के अंदर हमने वाईफाई किट लगा रखी है। ये वायर यहाँ पे गई है और इसके ऊपर आप देखते हैं ये भी लॉक वन की वायर मैंने यहाँ पे जोड़ी हुई है, लॉक टू की वायर मुझे यहाँ पे जोड़नी है। सो अभी आपको सारी चीज दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये है हमारी रिमोट किट, एक बार दोबारा से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये निकली है इसके अंदर रिमोट किट के पावर सप्लाई। सो इसके अंदर कनेक्शन करने पड़ते हैं, ये इसका पिनली कनेक्टर है अगर आपको डायरेक्ट कनेक्शन करने हो, अदरवाइज आपको उसको निकाल के इसको पावर दे सकते हैं, पावर प्लग में रखते हैं। जैसे मेरा ये रहा पावर पॉइंट, तो मैं सिंपली पावर के डाल दूंगा इसको। सो आप देखेंगे पीछे की साइड इसके बैक साइड में पावर पॉइंट की लाइटें भी हैं, जैसे कनेक्ट किया लाइट ऑन हो गई है इसकी। सो कनेक्शन करने कैसे हैं आप ये देख लीजिए। सो भाई आप देख सकते हैं इसके अंदर पीछे लाइट्स वगैरह जलती हैं इसके अंदर। ये रिमोट ऐड करने का बटन है, इसके बारे में बात बात करेंगे। तो फिलहाल हम इसमें लॉक ऐड करने वाले हैं, लॉक अटैच करने वाले हैं। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉनिक लॉक जिसके दो वायर को मैंने लंबा कर लिया है ज्वाइंट करके। सो बेसिकली इन वायर को आपने दो पॉइंट डालना है, मतलब दो तारे लॉक की जाएंगी L1 के अंदर और दो तारे जाएंगी दूसरे लॉक की यहाँ पे। तो दो लॉक की पावर सप्लाई है ये। तो फिलहाल मैं इस लॉक को कनेक्ट करता हूँ एक बारी। तो गाइस मैंने इसमें जोड़ दी है दो लॉक की वायर्स। तो बेसिकली अभी L1 में जोड़ी है मैंने, तो रिमोट के एक बटन से ही इसको पेयर करके इस लॉक को खोल के रखेंगे एक बारी। और दूसरा लॉक यहाँ पे जोड़ना है, तो अभी दूसरा लॉक मेरा अलग जगह लगा हुआ है। सो कुछ नहीं करना आपने, सिंपली जोड़ना है इसको, पावर इसका ऑन करना है। अब मुझे इस रिमोट का बटन को पेयर करना है किट से। तो किट का बटन एक बार जो स्विच पेयर करने का बटन है इसको आपने एक बार दबाना है। ऐसे ही अब इस रिमोट को पेयर करेंगे, स्विच का बटन दबाएंगे और इसका बटन दबाएंगे। तो ये मेरा पेयर हो गया, अब इसको दबा के हम लॉक खोल सकते हैं। आप देख रहे हैं लॉक की आवाज आ रही है मेरी। अब इसको चेक कराता हूं इसके बटन से। सो गाइस ये रिमोट मेरे पेयर हो गए। तो इसमें आप कोई भी रिमोट ले सकते हो, चाहे तो ब्लैक चाहे तो ब्राउन, ये दोनों लॉक के जो रिमोट है अवेलेबल है। गाइस उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आई होगी, ये आइटम समझ में आया होगा। आज के डेट में अगर आप CCTV कैमरे काम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक को काम नहीं कर रहे तो आप अधूरे हैं। मतलब मैं तो कहूँगा कि आज के डेट में काफ़ी ट्रेंडिंग में ये आइटम चल रही है, दिल्ली में हर घर पर लगा हुआ है और बहुत जल्दी बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ से भी बहुत डिमांड आ रही है। तो अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक लॉक को इंस्टॉल करना स्टार्ट नहीं किया या इलेक्ट्रॉनिक लॉक में ये फीचर स्टार्ट नहीं किए, तो हमारे पास ऑडियो फोन भी है, हमारे पास वाईफाई किट भी आती है कि मोबाइल फोन से आप लॉक खोल सकते हैं, और भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी आता है, तो उनकी भी वीडियो आने वाली हैं। सो जल्दी से इस काम को स्टार्ट कर दीजिए। इस आइटम के बारे में बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे जाके आप इसका प्राइस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो ऐसी कई सारी आइटम्स मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जिसे आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट पसंद आते हैं, तो क्लिक ऑन द लाइक बटन और सब्सक्राइब पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।